का रक्स है गुमसुम हुई बहार। हर सुखिजा का रक्स है गुमसुम हुई बहार। मेरे तेरा इंतजार। बहुत बातें करती हो तुम, एक एक नुक्ते को लफ्ज बनाकर उछालती हो अपनी जुबान पर, मगर ये याद रखना हमारा नाम मुख्तार बेगम है और हम रिश्ते में तुम्हारी सास ही नहीं तुम्हारी खाला भी लगती हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दें आप कि मैंने इस घर में आपको खाला समझ के रहना है या सास? न मामा की समझ आती है ना बिल्कीस की, दोनों के टकराव में मैं फंस जाऊंगा। सुनो, ये दुल्हन को दूल्हा के कमरे में होना चाहिए ना? हाँ। मगर वो तो सासू माँ के कमरे में है। तुम्हें तो नींद में जरा सी आहट भी डिस्टर्ब करती है ना? जी जी मामा। तो बस फिर बेटा, तुम्हारा तो अल्लाह ही हाफिज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खाला जान आप इसे बदला लेने की ठान ले? नहीं बेटा, उस्मान भले अपनी माँ के सामने ना बोलता हो लेकिन वो बीबी की तरफदारी भी नहीं छोड़ेगा। ये क्या, तुमने दुल्हन वाला लिबास चेंज नहीं किया? नई नवेली दुल्हन को अरमानों की सेज से उठाकर आप ये पूछ रही हैं कि तुमने ये लिबास क्यों नहीं बदला? आपने निकाह का फैसला किया, हमने कबूल कर लिया, आपने रुख्सती चाही, हम चले आए, मगर अब आप हमारी रस्म वलीमा का हक छीनना चाहती हैं हमसे, ये हमें मंजूर नहीं। लड़की लड़की नहीं, बहू, बेटी या फिर मेरा नाम बिल्कीस लेकर पुकारे। और हाँ, अगर आप मुझे मिसेज उस्मान कहेंगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगे। रूही जी मम्मी जी, इसे समझा देना कि हमें वो बहस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जिसकी तकरार हमारे और इसके मकाम को बराबर कर दे। चलो उस्मान। हाँ सफीना, बोलो। अब मजा आएगा जब लोहा लोहे से टकराएगा। हे डैड, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। डैड। हाँ बोलो। ये घर एक ही रात में कितना सोना सोना हो गया है ना, ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं था। सही कह रही हो तुम, तुम्हारी माँ के बाद बिल्कीस ने इस घर को बड़ा बन के संभाला था। अम्मी की वफात के बाद उनकी कमी शिद्दत से महसूस की है मैंने डैड। कई दिन आंख खुलने से पहले मेरे कान उनकी आवाज के मुंतजिर हुआ करते थे कि अभी अम्मी कहेंगी उठो निम्मो, देर हो गई है। फिर वो आवाज नहीं रही, फिर कानों को आपी की आवाज की आदत हो गई,
आप भी कह दीदी, उठो निमरा, दिन दोपहर में बदल गया है। जबकि डैड वो सुबह सुबह ही ये बात कह रही होती थी। अब तो वो आवाज भी नहीं रही डैड। इसलिए बेटा कि वो पराई मानत थी, अपने घर को पराया करके चली गई। एक दिन तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओगी। डैड मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसे नहीं कहते डैड, ये रस्म जमाना बदल नहीं सकता। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूल्हा को ब्याह कर अपने घर ले आए? पगली गई की, चल उठ, फ्रेश हो, अच्छे से कपड़े पहन, तेरी आपी को लेने जाते हैं। ओके डैड, मैं तैयार होके आती। अच्छा यार, आ जाऊंगी मैं। अजीब औरत है ये भी, इसका दिमाग भी हर बात उलट सोचता है। किससे बातें कर रही हैं बीबी जी? मुख्तार से, और किससे? वो तो अपने घर पर वलीमे की तैयारी कर रही होंगी ना। वलीमा? इसी बात पे तो मेरा दिमाग खराब हो गया। क्यों बीबी जी? मोहतरमा, वलीमा कोई नहीं कर रही। क्या? हाँ, आज वो जॉगिंग पे भी नहीं आई। मैंने फोन किया तो फरमाने लगी मैं तो ऑफिस जा रही हूँ। मैंने वलीमे के बारे में पूछा तो कहती है ये सब फजूलियात है। मामा, मुझे तो लगता है उनके दिमाग के कई पुर्जे हिल गए। ना बेटा, बुरी बात है, बड़ों के बारे में ऐसी बात नहीं करते। और वैसे भी उस घर के साथ हमारा बहुत नाजुक रिश्ता जुड़ा हुआ है। वैसे बीबी जी, इस मामले में बड़ी बीबी खुशकिस्मत हैं, उनकी तमाम रस्में धूमधाम से हुई थीं। मामा, जिस तरह आप ही उस घर की बहू हैं, उस तरह बिल्किस भी, तो फिर बिल्किस के साथ उनका इस तरह का रवैया क्यों, जबकि वो उनकी बहन की बेटी हैं? बेटा, मुख्तार ने वो रिश्ता बहन के मरने के साथ ही ख़त्म कर दिया था। बिल्किस अब उस घर की सिर्फ बहू है। मुख्तार उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, ये मुख्तार जानती है या फिर बिल्किस? वेरी नाइस। अरे बीबी जी, आप यहाँ किचन में क्यों? क्या मैं किचन में नहीं आ सकती? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी, अगर आपको कुछ काम था तो आप मुझे आवाज़ दे रही। अरे नहीं नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत काम है, और वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है बीबी जी, जब आप बोलती हैं दिल बड़ा ही खुश हो जाता है। अच्छा, यानी आपको हमारी सास साहिबा का बोलना अच्छा नहीं लगता? बीबी जी, उनका बुलाना तो हुक्म समझ कर कबूल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी दिल ही दिल में बहुत खौफज़दा रहते हैं कि कब ना जाने वो हमारी हाँ के जवाब में नाराज हो जाएं। सब कुछ ठीक हो जाए। गाड़ी का एसी तुम्हारी गफलत की वजह से खराब हुआ है, अब उसे शोरूम ले जाओ और जल्दी से ठीक करवाओ। अदनान, एक मिनट रुको। हाँ? मैंने कहा था ना कॉलर सही करके जाना। अदनान, तुम्हें याद है ना हमारी शादी की हर रस्म कितनी धूमधाम से मनाई गई थी? हाँ, कैसे भूल सकता हूँ, इस घर की पहली खुशी थी भाई। खुशी पहली हो या आखिरी, खुशी तो खुशी ही होती है ना। और आज तो मुझे लगता है कि इस घर में खुशी नाम की कोई चीज ही नहीं है। कॉलर ठीक हो गया तो जाओ। हाँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। पता नहीं क्यों देवरानी जी, जब आपको देखती हूँ तो दुख सा होता है मुझे। वैसे ज़्यादा दुखी होना भी हार्ट अटैक का सबब बनता है जेठानी जी। और फिर बुजुर्ग कहते हैं कि जिस चीज़ को देखकर खुशी गम में बदल जाए, उस चीज़ को देखना नहीं चाहिए। सिद्रा जी, जरा मेरे कमरे में आना, मैंने चेंज करना है।
उस्मान, ये तुम बार बार मोबाइल क्यों देख रहे हो? वो मुझे लगा शायद फोन आया है। हमने तुमसे कितनी मर्तबा कहा है जब हम चेकिंग ग्राउंड पर हुआ करें तो अपने मोबाइल को ऑफ रखा करो। बस एक तेरा इंतजार। डैड, यहां तो खुशी नाम की कोई चीज नहीं नजर आ रही। मैं खुद हैरान हूँ। आजकल वलीमे की पार्टी रात को होती है, पूरे फैशन वाले ही पार्टी की तरह। चलो आ गए हैं तो बिल्कीस से मिल लेते हैं। जी। घर की सारी सफाई हो गई, खाला जान का कमरा प्लीज। आप भी। हेलो, कैसी हो? लेकिन आप ही आज तो निमो आज वलीमा नहीं है। लेकिन क्यों आप ही? क्योंकि ये हमारी सास का एक नया असूल है। बेटा ये तो सुन्नत है। ये सुनत तो उन्होंने चंद देगी किसी यतीम खाने में भिजवा के पूरी कर दी। ये क्या करने लगा? मुख्तार से बात करूंगा बेटा। बाबा प्लीज, अभी इस मामले को आप डिस्कस मत करें, प्लीज रहने दें। मैंने शादी की है अपनी बेटी की, उनकी मर्जी के वक्त पर, बेचा नहीं अपनी बेटी को। इसलिए बाप होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं अपनी बेटी के हिस्से की खुशियां उसे दिलाऊं। हेलो जी, मैं हम एक मीटिंग में हूँ। उस्मान, मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। जी। क्या हुआ डैड? मीटिंग में है। अब बाबा निमू, आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं बेटा नहीं, तुम हमारे साथ चलो। लेकिन बाबा मैंने तो किसी से इजाजत ही नहीं। किससे पूछना है भाभी? मामा से? नहीं रेहान, तुम्हारे भाई से पूछना। खाला जान की इजाज़त मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं, लेकिन मुझे अपने हस्बैंड से तो पूछना है ना। और फ़ोन बन जा रहा है एक्चुअली। कोई फ़ायदा नहीं है भाभी, जो अंकल कह रहे हैं वैसे ही करें, यही बेहतर है। लेकिन रेहान, तुम जानते हो कि मैं भाई को मैं बता दूंगा, आप जाइए इनके साथ। ठीक है, मैं बैग लेके आती हूँ। वापसी का सामान तो तैयार हो ही गया समझ लो, लेकिन मैं ये बात किसे बताऊं? यस, अपनी मामा को बताती हूँ। हाँ बोलो रूही। मामा, अभी अभी ना एक खबर बनी है, दिल पे खुजली होने लगी थी, सोचा आपको बता दूँ। अच्छा, ऐसी क्या खबर है? मत पूछो मामा, मत पूछे। हाँ? खुद ही बताने के लिए फोन किया और अब कह रही हो कि मत पूछे। ओह, मेरे ये मतलब नहीं था मामा, वो मुहावरों में इस्तेमाल होने वाले लफ्जों को समझा करें। अब बात को च्युइंगम की तरह लंबा ना करो, अब तो मेरे भी पेट में दर्द होने लगा। बस यूं समझ लो मामा, इस घर में ना एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तूफान आने वाला है?
तो फिर तू जल्दी से बेटा अपने घर आ जा। वाह मामा वाह, एक बहू तो पहले बिना बताए चली गई और अब आप चाहती है कि दूसरी भी ना हो। बिल्किस चली गई कहाँ? अपने घर अपने डैड के साथ। ये तो कोई बुरी बात नहीं है बेटा, ये तो हक है उसका। हक तो उस बेचारी के बहुत सारे थे, क्या एक भी मिला है उसे? नहीं। अब आप ही बताइए, बिल्किस का बगैर इजाजत जाना मेरी सासू माँ को अच्छा लगेगा क्या? अच्छा तो वाकई नहीं लगेगा बेटा, लेकिन तुम कोशिश करना कि तुम इस आग से दूर ही रहो। आप फिक्र ना करें मामा, आपकी बेटी वक्त के नज़ाकत को परखे बिना कदम तो दूर की बात है आँख भी नहीं उठाती। हाँ अगर आग बुझने लगे तो थोड़ा बहुत तेल डालना तो मेरा फर्ज बनता है ना, आफ्टर ऑल बड़ी बहू जो हूँ मैं इस घर की। ओके मामा बाय बाय। ओके बाय। मुझ पे गई है मेरी बेटी, जरा भी फर्क नहीं रखा। है मुझे ओ, तो कुछ भूल रहे हो। ओके जब याद आएगा ना तो बता देना। मामू कैचअप है मेरे पास, कैचअप कहां से आ गई? ओके ये ले लो मामू। नहीं चाहिए? ओके ये ले लें। मामू एक काम तो करें, ये शॉपर ना पैर छुपाकर फेंक दीजिएगा। पापा वो उस्मान की कॉल है। हाँ बात करो बेटा उससे। हेलो। आह यार आज तो काम कर करके इतना थक गया हूँ कि आज तक इतना काम कभी नहीं किया। अच्छा मैंने तो आपको फोन किया था मगर आपका फोन बंद जा रहा था। हाँ यार फैक्ट्री के चेकिंग राउंड पर था मामा के साथ, मेरा तुमसे बात करने को दिल चाहा और मामा ने देख लिया और उन्होंने फोन स्विच ऑफ करवा दिया। तुम्हें पता है अभी भी उनसे छुप कर फोन कर रहा हूँ तुम्हें। यकीनन खाला जान मीटिंग में है इसीलिए मौका मिल गया। अरे नहीं आज सुबह आते साथ ही उन्होंने सारी मीटिंग कैंसिल कर दी थी। मीटिंग कैंसिल कर दी थी? लेकिन अब हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो गई हो या फिर वो थक गई। उनका तो पता नहीं, बहरहाल मैं बहुत थक गया हूँ। कोई बात नहीं आप घर आ जाएं तो मैं आपके सर की मालिश करता हूँ। नहीं नहीं मुझे लग रहा है कि मामा आ रही हैं, मैं बाद में बात करता हूँ। टेक केयर हाँ अल्लाह हाफिज़। डैड आपने आप ही को बताने क्यों नहीं दिया? इसलिए बेटा कि इसमें उस्मान का कोई कसूर नहीं है, इसने सारी जिंदगी गुजारनी है उसके साथ, पहले ही दिन गिले शिकवे शुरू हो गए तो अच्छा नहीं होता। बस एक तेरा इंतजार।
भाई ये आपने क्या किया? क्या किया? भाभी को बिना इजाजत आपने जाने दिया। तो आपको मालूम है ना मामा कितनी नाराज होंगी। मामा कभी खुश भी हुई हैं? जो उनके नाराज होने से हम डरे। वैसे बात तो आपकी ठीक है मगर भाई इस तरह से बात बिगड़ तो नहीं जाएगी ना। देखो जिस काम के करने पर दुनिया नाराज हो और अल्लाह खुश हो तो उसे कर देना चाहिए। आज भाभी का मुकलावा जाना था और मामा ये बात जानती थी मगर अगर उन्होंने आदमी बरती तो फिर ठीक है जो होगा देखा जाएगा। वैसे एक बात है बिल्किस भाभी हैं बहुत अच्छी। सो क्या बड़ी भाभी अच्छी नहीं है? अनु नहीं बहुत अच्छी हैं आप। अब देखिए ना भाभी एक क्लास में काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं लेकिन पहली पोजीशन तो किसी एक को मिलती है ना। भले उसने दाखिला सबकी बात क्यों ना लिया हो तो इस फिलॉसफी में तुम मुझे कौन सा नंबर देने वाली हो? वो भैया बताएंगे। क्यों भैया? हाँ रेहान तुम बोलो। आप जानती हैं कि मैं सच बात कहने से रुकता नहीं। अगर आप सच सुन सकती हैं तो लगता है नहीं क्योंकि आपका फोन बोलता है। हाँ फरीद। हाँ हाँ शुक्र है। आप ही आपकी बातें सुनने के बाद मेरा जहन तो ये कहता है कि खाला जान आपको जुबान खोलने की वजह से टॉर्चर देना चाहते हैं। कोई बात नहीं मैं भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं। लेकिन आप दोनों की जिद की वजह से उस्मान भाई फंस जाएंगे। निमो उस्मान बहुत सब्रवान है वो खुद भी अपनी माँ के बेवजह फैसलों को अच्छा नहीं समझते। आप भी कभी नाखून से माँ से अलग हुआ है? नहीं। बस इसी तरह भले वो पैदा होकर जवान हो गए लेकिन माँ की कोख से औलाद अलग नहीं होती। आप भी लेकिन निम्मो मैं अपने उस्मान को अच्छी तरह से जानती हूँ वो ऐसा बिल्कुल नहीं। उस्मान भाई ज़रूर बोलेंगे लेकिन फौरन चुप भी कर जाएंगे। अब अल्लाह करे कि खाला जान इस बात को गलत अंदाज में ना सोचे। आमीन। मेरे दिले बेचैन को
बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा।